डॉक्टर निर्मल पटेले कह्युं के छेल्ला महिनामां 140માંથી 52 केस चांदीपुराना पॉजिटिव आव्या छे। राज्यना कुल 28 जिल्लामां कुल 28 लोको चांदीपुराथी मृत्यु पाम्या। गुजरात राज्य में लास्ट अराउंड 1 मंथ से केसेस एक्यूट वायरल एनकेफेलाइटिस के आ रहे हैं। टोटल मिला के अभी तक 140 एक्यूट वायरल एनकेफेलाइटिस के केसेस मिले हैं। उन सभी का सैंपल पहले पूना में हम भेजते थे, एनआईवी पूना, इसके बाद जीबीआरसी गांधीनगर में जो है तो वहां स्टेट लेवल में ही हमने प्रिपरेशन करके यहाँ ही टेस्ट करवाना शुरू कर दिया है। तो सबके सैंपल में से अभी रेगुलरली रिपोर्ट आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से 52 चांदीपुरा पॉजिटिव केसेस गुजरात में पाए गए हैं। ये केसेस कोई एक जगह पे नहीं है, छोटे छवाए हर अप्रोक्स 28 डिस्ट्रिक्ट में छोटे छवाए केसेस मिले हैं। हर जगह पे यह मेरे ध्यान रखना था कि चांदीपुरम मेनली सैंडफ्लाई की बाइट से होता है, और सैंडफ्लाई अगर इन्फेक्टेड है और बाइट करता है बच्चों को तो उसको चांदीपुरम एनकेफेलाइटिस हो सकता है। तो सैंडफ्लाई को डिस्ट्रॉय करना हमारा प्राधान्य हो गया था, और सैंडफ्लाई को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मेजोरिटी सैंडफ्लाई कच्चे घर में रहती है, तिराड़ जहां झुंपड़पट्टी जैसा मकान है, जहां तिराड़ है मकान में, तो उसी में उसका वसवाट होता है। तो हमने सैंडफ्लाई का नाश करने के लिए हर कच्चे घर जहां जहां जिस तालुका में केस, अगर तालुका में एक भी केस मिला है तो हमने पूरा तालुका इसके लिए कवर किया है। तो पूरे तालुका में मेलेथियन का छिड़काव किया, जहां कच्चे घर थे उसी घरों में हमने छिड़काव किया है। तो अप्रोक्स 6,50,000 ऊपर हमने ऐसे घरों में छिड़काव मेलेथियन का किया है ताकि सैंडफ्लाई का हम नाश कर सके। साथ में इंटर एसिडेस स्प्रे बहुत अच्छी तरह से काम करता है, अल्फा सेफामेथन का हम स्प्रे करते हैं ताकि सैंडफ्लाई का भी, और मॉस्किटो अगर है तो मॉस्किटो का भी, ताकि मलेरिया डेंगू में भी फायदा हो सके। तो इसी के हिसाब से हमने करीब 2.5 लाख जितने घरों में भी हमने इंटर एसिडेस स्प्रे भी करवाया है, जो जहां जहां केस मिले है उसी तालुका में। सर अभी तक कितनी ओवरऑल डेथ हुई है, इसमें से कंफर्म जो सैंपल हुए है चांदीपुरा में उसकी वजह से कितनी डेथ हुई? डेथ ओवरऑल अभी तक 58 हो चुकी है, उसमें से कंफर्म चांदीपुरा की डेथ 20 केसेस में कंफर्म चांदीपुरा की डेथ हुई है। डेथ प्रिकॉशन करने के लिए हमने फास्ट स्क्रीनिंग पे कॉन्सेंट्रेशन किया था, इसकी वजह से फील्ड में से अर्ली डायग्नोसिस करके भी हम इंडोर करवा रहे थे ताकि केसेस अर्ली डायग्नोसिस हो सके और हम मोर्टालिटी कम कर सके। साथ में हमने सभी आईएमए डॉक्टर को भी इन्वॉल्व किया था, उनको भी सीएमई करके इन्वॉल्व किया कि अगर कोई ऐसा केस आता है जिसके साइन सिम्टम वायरल एनकेफेलाइटिस जैसे है तो आप तुरंत उसको या तो बड़ी अस्पताल में भेजे या मेडिकल कॉलेज जैसी हॉस्पिटल जहां राउंड द क्लॉक पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो, राउंड द क्लॉक वेंटिलेटर की सुविधा हो, उसी जगह पे उसी बच्चे को रिफर करने के लिए हमने आईएमए का पूरा सहयोग भी साथ में लिया है। अंतिम सवाल, कितने पेशेंट अभी अंडर ट्रीटमेंट है, कितने डिस्चार्ज हो चुके? अभी अंडर पेशेंट 25 पेशेंट अभी ऑन ट्रीटमेंट पे है, और 57 बच्चों को अच्छा हो गया है। तो 57 बच्चों को अच्छा होने के वजह से हमने डिस्चार्ज भी किया है, तो यह बहुत अच्छी भी बात है। दूसरे